यहाँ पर अभी हमारे उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी पधारे हैं और उन्होंने बहुत ही सरलता से विनय भाव से अपना प्रणाम राष्ट्रपति महामहिम केंद्रीय मंत्री और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको देते हुए, तो ये एक विनम्रता दिखाती है हमारे उत्कल समाज की कि आप क्षमता में रहे या ना रहे लेकिन एक दूसरे के साथ सौहार्द भाव रहता है, एक दूसरे के साथ प्रेम रहता है, एक दूसरे को सम्मान करना, ये उड़ीसा राज्य की संस्कृति पूरे विश्व को सिखाती है कि हमें भगवान के द्वार में हम कभी भी अपनी पदवी को लेके ऊंच नीच नहीं कर सकते, हमें सबको सम्मान देना है, सबको स्नेह के साथ रहना है। इस तरह के जब लोकनायक ये वाली वार्ता सब लोगों को देते हैं तो लोगों में शांति और सौहार्दपूर्ण बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग जब आते हैं पूजा देखने या ये करने तो उनका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। जी हाँ, ये लोकतंत्र है, हमारे ये जो जगन्नाथ संस्कृति है वो लोकतंत्र पे आधारित है। यहाँ के राजा प्रथम सेवक है, वो तो सबके सामने विनय की मुद्रा में आके भगवान के आगे आशीर्वाद लेते हैं और जिसको छेरा बोहरा कहते हैं झाड़ू स्वयं हाथों से मारते हैं। तो ये पद्धति तो वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी, युगों पुरानी है और उसी पद्धति को कहीं ना कहीं यहाँ के नेता, लोक नेता के रक्त में